खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बरोदा गांव की शिवानी ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। शिवानी ने हाल ही में हुई नेशनल CBSE बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 70 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता है। शिवानी का गोहाना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर ओलंपियन योगेश्वर दत्त और बरोदा हल्का से विधायक श्री कृष्ण हुड्डा भी बधाई देने पहुंचे। शिवानी की जीत की खुशी में सैकड़ों ग्रामीणों ने गोहाना रेस्ट हाउस से गांव तक उनका विजय जुलूस निकाला। यहां पहुंचे ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने कहा कि शिवानी ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, वो कामना करते हैं शिवानी वर्ल्ड चैंपियन बने। विधायक श्री कृष्ण हुड्डा ने भी बधाई देते हुए कहा कि वो कामना करते हैं कि बरोदा की शिवानी पूरी दुनिया में देश के साथ हरियाणा और अपने गांव बरोदा का नाम रोशन करे। शिवानी ने बताया कि उनकी जीत का श्रेय पिता ब्रजेंद्र महारानी देवी और कोच मोनिका समेत उनके सभी सहयोगियों को जाता है जिन्होंने उनकी इस जीत में मदद की। शिवानी ने कहा कि उसका सपना है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। इस मौके पर कृष्ण मलिक व अन्य मौजूद रहे। K9 मीडिया के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। हमारे मध्य पहुंचेगी भाई, ज्यादा संख्या में कोई नहीं आएगा। भाई ज्यादा गाड़ी में नहीं आएगा, पुलिस थोड़ी क्लच की दिक्कत है। हमारे ड्राइवर भाई संजय जी, ठीक है सर, चलिए बेटा ले आओ, गाड़ी काट के ले आओ ना, घुमाओ। रुक जा, करो क्या कर, रुको, रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा भाई, लगाओ जी हाथ हमारे यहाँ से, सिर्फ पास रखो जी, सिर्फ पास, ये आ रहे क्या, आ रहे जाओगे ना, देखो जी, हाँ ओके सर, देखो जी, देखो इधर, देखो जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे गांव का और मेरे हरियाणा का नाम रोशन हुआ है, देश का नाम रोशन करूंगी आगे भी, और मैं लगातार मेहनत अच्छे से करूंगी और अपने देश का नाम रोशन करूंगी। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, खेलूंगी इनके ऐसे मेहनत करूंगी, देश का नाम इनकी तरह ऐसे ही रोशन करूंगी और आगे भी ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी इनकी तरह। धन्यवाद। गांव बरोदा से है और अभी स्कूल में समय गोल्ड जीता इसने, और पहले खेलो इंडिया में भी गोल्ड जीता, और बहुत शुभकामनाएं छोटी बहनों की, हल्के का हरियाणा का इन्होंने नेशनल में नाम रोशन किया है, और उम्मीद है कि वो आने वाले ओलंपिक में 2023 और 2024 में ओलंपिक और उसमें देश के लिए गोल्ड जीते, एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीते, और मैं इससे यही कहूँगा कि अपना सपना बड़ा बनाए, ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना बड़ा उसको पूरा करने की कोशिश करें, मेहनत करें, क्योंकि बहुत कम एज है, 15-16 साल की एज है, और वो लंबा टाइम है देश को मेडल देने के लिए, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगी उतना अच्छा फल मिलेगा, और शिवानी को मेरी बहुत शुभकामनाएं, देश का ऐसे नाम रोशन करते रहे। आज ये शिवानी लड़की हमारी बरौदा गांव से है, बरौदा खास से, और ये स्वर्ण मेडल लाई है इंडिया की टीम में, दिल्ली से टूर्नामेंट थे, ये स्वर्ण मेडल लाई है, जिन्होंने हमारे इलाके का नाम रोशन किया और इधर रोहतक हरियाणा का नाम रोशन किया, रोहतक सोनीपत जिले का नाम रोशन किया और बरौदा गांव का नाम रोशन किया। हमें पूरा शिवानी के ऊपर पूरा गौरव है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने आने वाले समय में आगे भी इसी प्रकार से मेडल लाती रहेगी, और लोग इसी प्रकार से इसका स्वागत करते रहेंगे,
कि हमें अपनी बेटी के ऊपर पूरा फख्र है, क्योंकि ये जिन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया, और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है आगे भी ये बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और अपने जीवन में कामयाब होगी। ये शिवानी है जो 70 केजी में बॉक्सिंग में स्कूल लेसन हुआ था अभी, जो कि दिल्ली में 17 तारीख से 22 तारीख तक ऑर्गेनाइज हुआ। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे होल नेशनल के जितने भी बॉक्सर्स थे, जितने भी स्टेट थे, उन सभी स्टेट से बॉक्सर्स आए, और उसमें शिवानी ने सभी पड़ाव को पार करते हुए, और जो हमारा फाइनल वो होता है कंपटीशन का जो राउंड होता है, उस राउंड में हरियाणा की जो बॉक्सर थी बहुत अच्छी बॉक्सर थी, और उसको पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और उसके इस मेडल में हमारे अपने रमेश जी हैं, जिन्होंने भी उनका बहुत सहयोग दिया है, और उन्होंने भी उनको साथ में ट्रेनिंग कराई है। तो मैं शिवानी जी को, उनके समस्त काम के सभी जितने भी उनके साथीगण हैं और जो भी उनसे रिलेटेड हैं, जिन्होंने भी उनकी इस काम में और इस मेडल लाने में हेल्प की है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह की प्रतिभाओं को आप प्लीज़ लेके आओ, ताकि हम जो कोचिज हैं वो भी अपना 100% देके और अपना बच्चे का, देश का और इस पूरे समाज का नाम रोशन करें और आने वाले टाइम में ओलंपिक में मेडल हासिल करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।